अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अरसलान जमशेद भट्ट फ्राम गुजरात। ये एक चैनल है यूट्यूब पे सलमान स्पोर्ट्स के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब करें और टेप बाल के जितने भी अच्छे मैचेज हैं सब स्टार्स के आप वहां पे देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड होती हैं इस चैनल पे, तो आप सब लोग भी इस पे सब्सक्राइब करें और इसको देखें। मैं भी इस पे देखता हूं वीडियोस। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं तो मेरे साथ अबू बकर किंग, पाकिस्तान के टॉप के प्लेयर, स्टाइलिश प्लेयर, सबकी दिल की जान, दिलों की धड़कन अबू बकर किंग मेरे साथ बैठे हुए हैं। भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आपका स्टैमिना है, आप घूम फिर के खेलते हैं, ये किस तरह खेलते हैं आप? भाई इसको शेयर भी करते जाएं पूरे ग्रुपों में, पेजों में, अपनी टाइमलाइन पे। आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ अबू बकर किंग भाई का, जो हमारे पाकिस्तान के मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर हैं। पहले बताइए आप जो घूम फिर के खेलते हैं किस तरह खेलते हैं ये? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, और ये जो है ये मेरी एक नेचुरल गेम है एक, और इसमें अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी हुई है, लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए लोगों की खुशी के लिए मैं ऐसा करता। प्यार नहीं करते, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं माशाल्लाह, मोहब्बत है लोगों। दूसरा ये, आप स्टैमिना को जब आगे पीछे होते हैं जो आपकी आई सेट है, इसके लिए आप कितनी प्रैक्टिस करती हैं, क्या करते हैं? सर प्रैक्टिस नहीं करता, जॉब करने वाला बंदा हूँ, और आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम टूर्नामेंट। हाँ बिल्कुल, ऐसे। और बाकी ये है कि ये लोगों की दुआओं, लोगों की मोहब्बत की वजह से है जो भी है, बाकी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ काम है। भाई इसको शेयर करते जाएं ग्रुप में। और भाई जो मसला हुआ था दीपालपुर में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यार वो एक ट्रेजेडी हुई थी, वो सब क्लियर हो गया है, बिलाल साहब से गलती हुई थी, उन्होंने बकायदा आके मुझसे माफ़ी मांगी थी लाहौर में आके, उसके बाद कुछ नहीं डाला था। अब जो लोग उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली, जब बात खत्म हो गई है, ठीक है, आप उनको गालियाँ दे के खुद गुनाहगार बनेगा क्या फ़ायदा? तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनसे गलती हुई, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली, अब इस बात को खत्म करके जाए, ना कि उन्हें गालियाँ दे के बुरा खुद बने बुरा बने। आप रिक्वेस्ट ये है कि बस ठीक है, मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया और आप भी उन्हें माफ़ कर दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसपे मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा, ठीक है, जिसपे मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया। और सर जी एक और सवाल आपसे, कि मासूमाना सवाल है कि आपको लोग कहते हैं जी प्लेयर तो बड़ा है लेकिन ये टूर्नामेंट विन नहीं करवा सकता। यार आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं आप लोगों ने मुझे कितनी बार देखा बड़ी टीम के साथ। आप आके मैं मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जैसा भी मिले, टीम जैसी भी मिले, जहाँ भी एडजस्ट हो जाऊँ, कोशिश करता हूँ अकेला खेलने की, क्योंकि अकेला खेलने से ये है कि आपको आगे अच्छे बॉलर खेलने को मिलेंगे। तो ठीक है, बाकी आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है बड़े टूर्नामेंट जीते भी हैं, हार जीत तो गेम का हिस्सा ही है, बंदा बस बंदे के हाथ में है एफर्ट करना, वो हम करते हैं। और मैंने अफ्रीका के प्लेयर एबी डी विलियर्स अभी तक वो वर्ल्ड कप नहीं जीते, लेकिन वो स्टाइलिश प्लेयर है। यही है ना, दिक्कत अल्लाह ताला के हाथ में, हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में है, हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, और वो हम करते हैं, वो सब लोगों को फील्ड में नजर आता है मेहनत करते हुए। ओके थैंक यू भाई, थैंक यू, एक बार दोबारा कह दे वो गालियां ना दे प्लीज। नहीं कर नहीं, इंशाल्लाह का कोई नहीं गाली देगा। थैंक यू भाई, आपने अबू बकर का ये पैगाम सुना है कि ये बात खत्म हो चुकी है। थैंक यू, आपने सुनी अबू बकर की बात, ये बात खत्म हो चुका है मसला, प्लीज इसको आप दोबारा डिस्कस ना किया करें, ना किसी को गाली दिया करें, ये एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है। थैंक यू भाइयों, इसको हर ग्रुप में हर जगह शेयर कर दें। अली भाई हम हैं शरीफ सारे, थैंक यू सो मच भाई।